18 अप्रैल 1991 को जब पुलिस क्रिस्टोफर के रूम में जाती है, उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहां पर वो मरा पड़ा था। पुलिस जल्द से जल्द उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाती है, वहां पर थोड़ी बहुत छानबीन करती है और वहां की जो जगह थी वहां पर काफी सारी ऐसी अजीबोगरीब चीजें उन्हें मिली जो सच में ही उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर की रिपोर्ट आती है तो पुलिस ने ये केस ये बोलकर बंद कर दिया कि इसकी एक नॉर्मल हार्ट अटैक आने के कारण मौत हुई है, इसका किसी भी तरह से कोई हत्या नहीं हुई। लेकिन जब पुलिस वालों का ये जवाब क्रिस्टोफर के पड़ोसियों ने सुना तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगा और उन लोगों ने पुलिस वालों से कहा कि क्या आप जानते नहीं, क्रिस्टोफर ने अपनी मौत से एक हफ्ते पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक हफ्ते बाद वो मरने वाला है। ये जानने के बाद पुलिस वालों को भी काफी ज्यादा अजीब लगा और उनका सीधा शक गया पैरानॉर्मल चीजों की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, क्रिस्टोफर की मौत कैसे हुई, उसने एक हफ्ते पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसी कर दी थी और कर भी दी थी तो अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां जाकर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे इंटरेस्टिंग रील्स मैं डालता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। यूएस में रहने वाला 35 साल का क्रिस्टोफर अपनी जिंदगी को बड़े ही मजे से बिता रहा था। अगर बात उसके डेली रूटीन के बारे में की जाए तो वो एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि अगर उसकी बात जिम जाने की जाए, योगा सोगा करने की जाए, या फिर हेल्दी फ्रूट्स खाने की, या फिर उसकी डाइट प्लान की जाए तो उसका मामला बिल्कुल फिट था। और इसी तरह अगर देखा जाए तो उसकी जिंदगी में बीमारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। वैसे बात अगर उसके बिजनेस के बारे में की जाए, उसके काम धंधे के बारे में की जाए तो वो एक म्यूजिक कंपनी में काफी अच्छी पोस्ट पर था। क्रिस्टोफर अभी तक 35 साल का हो चुका था लेकिन उसने शादी नहीं की थी, क्योंकि उसका कहना था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा और जिंदगी में जब मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से ये लगेगा कि मैंने सारा एंजॉय कर लिया तो आखिर मैं शादी कर लूंगा। लेकिन उसके काफी सारे दोस्त अभी भी ऐसे मौजूद थे जो कह रहे थे कि कोई बात नहीं यार, एक पार्टनर होगी और उसके साथ अगर तुम घूमने जाओगे तो मजा दोगुना हो जाएगा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और यही बात बोलकर उन लोगों ने उसे काफी बार डेट पर भी भेजा। लेकिन बात अगर क्रिस्टोफर के बारे में की जाए तो उसने इस तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके काफी सारे फ्रेंड्स थे। बात अगर उसके घर वाले दोस्तों के बारे में की जाए जो कि नॉर्मल तौर पर थे, या फिर बात कंपनी में ही उसके कलीग्स के बारे में की जाए तो सभी लोगों का यही कहना था कि क्रिस्टोफर एक नंबर का बंदा है। जिस तरह की उसकी इच्छा भी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर घूमना चाहता था, तो इसी के तौर पर अक्सर उसकी कंपनी बाहर जब भी मीटिंग हुआ करती थी तो ज्यादातर क्रिस्टोफर को ही भेजने की कोशिश करती, क्योंकि एक तरफ तो वो क्लाइंट को अच्छे तरीके से कन्वेंस कर लेता और उसका जो समझाने का तरीका था वो भी उनको काफी ज्यादा पसंद आया। यही कारण था कि जब भी कहीं बाहर का टूर होता या फिर बाहर किसी मीटिंग के लिए जाना होता तो उनकी कंपनी की तरफ से जो भी टीम जाती उसमें क्रिस्टोफर जरूर होता था। एक बार इसी तरह उनकी टीम को बाहर जाना था तो क्रिस्टोफर अपनी टीम के 3 अन्य बंदों के साथ अपनी मीटिंग करने के लिए फ्लाइट से दूसरे शहर जाता है, और वहां पर जैसे ही उसकी मीटिंग कंप्लीट होती है तो वहां पर अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से अपनी मीटिंग कंप्लीट कर ली है, क्यों ना अब हम यहां पर चलकर जो भी कुछ इस शहर की खास चीजें हैं उनको जाकर ट्राई करें और थोड़ा घूमें फिरें। उसके साथ आए बाकी सभी कलीग्स भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। तो जिस कंपनी के लिए वो गए थे वहां पर भी कुछ लोग अभी भी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का एक रेस्टोरेंट काफी ज्यादा लाजवाब है, क्यों ना आप लोग हमारे साथ वहीं चलें। तो क्रिस्टोफर ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेस्टोरेंट में चलेंगे और उसके बाद भी अगर आप लोग कहीं हमें घुमाना चाहते हैं तो हम लोग वहां भी जाना जरूर पसंद करेंगे। और इसी तरह गपशप मारते मारते वो लोग उस रेस्टोरेंट में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद सभी लोग वहां टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे और इसी तरह बातें कर रहे थे। तो क्रिस्टोफर के कलीग्स ने इसी तरह बातें चलते चलते उन कंपनी वाले बंदों को बताया कि क्रिस्टोफर काफी ज्यादा लाजवाब बंदा है, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं और ना ही ये किसी तरह के रिलेशनशिप में है।
ये सिर्फ खाता है, पीता है और सबसे लाजवाब बात, ये म्यूजिक सुनता है। इसने अपनी जिंदगी का काफी सारा टाइम तो म्यूजिक सुनने में लगा दिया, और उसमें भी खास तौर पर इजिप्ट का एंशियंट टाइम का म्यूजिक। इसी तरह वो लोग गप्पे मार ही रहे थे कि दूसरी तरफ एक टेबल पर बैठी औरत उन सभी की बातों को अभी सुन ही रही थी, और वो भी वहीं पर आकर उनसे बातें करने लगती है और बताती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और मुझे भी इस तरह के म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है। क्रिस्टोफर ने और वहां पर जो उनके कलीग बैठे थे उन लोगों ने उस ओल्ड लेडी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और उसी के साथ बातें करना शुरू किया। बात अगर उस लेडी के बारे में की जाए तो उसकी भी उम्र लगभग 50 से 55 साल की ही होगी, और उसने क्रिस्टोफर के पास आकर बड़े ही रोमांटिक तरीके से उसके आंखों में आंखें डालकर क्रिस्टोफर को बताया कि मुझे भी एंशियंट टाइम का म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है। क्रिस्टोफर ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये ताईजी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हैं, और उसने और अपनी पसंदीदा चीजें उन्हें बताना शुरू किया। देखते ही देखते वो लोग इसी तरह बातें करते रहते हैं और उनका खाना आ गया, और उसके बाद वो लोग इसी तरह खाना खाते खाते बात करने लगते हैं। और जिस तरह की बात क्रिस्टोफर ने उस अंटी को बताई तो अंटी क्रिस्टोफर से और ज्यादा इम्प्रेस हो गई, और वो उसके साथ बैठकर अपनी सारी की सारी बातें उसे बताने लगती है कि मुझे भी ये सारी चीजें पसंद है, और इसी के साथ मुझे बाहर घूमना भी काफी ज्यादा पसंद है, पुरानी पुरानी जगहों पर जाना और जो अबेंडेंड प्लेसेस हैं वहां पर तो मैं मतलब मजा आ जाता है मुझे जाकर। और इन सब बातों को सुनकर क्रिस्टोफर ने भी बताया कि मैं भी इन चीजों का काफी शौकीन हूँ, जब भी मेरी कंपनी मुझे कहीं बाहर भेजती है तो मैं उस जगह की जो अबेंडेंट जगह हैं या फिर बात अगर ऐतिहासिक जगहों के बारे में की जाए तो वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह बातें चल रही थी और उन लोगों ने खाना भी खा लिया, जिसके बाद उसके क्लीग्स ने कहा और जो कंपनी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन उस बूढ़ी महिला ने कहा कि अभी तो शाम ही हुई है, मुझे इस तरह आप लोगों के साथ टाइम बिताकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्या आप लोग थोड़ी देर और यहाँ पर नहीं रुक सकते? तो क्रिस्टोफर के कलीग्स ने और जिस कंपनी में वो काम के लिए आए थे तो उन लोगों ने कहा कि ना तो हम लोग एंशियंट में इतना लगाव रखते हैं और ना ही इन पुरानी चीजों में, हमारा ये दोस्त है इसे ही ये सब पसंद है, और प्लीज अगर आपको बुरा ना लगे तो आप इसी के साथ बातें कीजिए, क्योंकि हमें किसी भी तरह की किसी पुरानी जगह या फिर पुराने म्यूजिक के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और ये बात बोलकर उसके कंपनी के मेंबर और उसके कलीग क्रिस्टोफर से कहते हैं कि हम यहीं पर हैं, हम लोग बाहर घूम रहे हैं, तब तक तुम अपनी इस आंटी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो। तो क्रिस्टोफर भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं बाहर ही रहना और मैं लगभग आधे घंटे में आ जाऊंगा। जिसके बाद वो फिर से बातें करने लगते हैं, और इसी तरह बातें करते करते वो आंटी जी जो थी क्रिस्टोफर के लिए कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर क्रिस्टोफर के बारे में की जाए तो वो सिर्फ और नॉर्मल तौर पर अपनी जो पसंदीदा चीजें थी वो उस आंटी को बता रहा था, और जो आंटी थी वो तो उसकी बातें सुनकर बिल्कुल इम्प्रेस ही होती जा रही थी। जिसके बाद क्रिस्टोफर उस आंटी से कहता है कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन बात अगर आंटी के बारे में की जाए तो वो पहले तो क्रिस्टोफर के साथ काफी ज्यादा रोमांटिक तरीके में काफी ज्यादा प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन अब उसकी जो प्यार था वो गुस्से में बदलता जा रहा था, और उसका सिर्फ एक ही कहना था कि तुम यहीं पर रहो और मेरे साथ बातें करते रहो, अगर किसी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई चीज तुम्हें चाहिए तो मैं अपने आप यहां पर उसका प्रबंध कर दूंगी। जिसके बाद क्रिस्टोफर अपनी चेयर थोड़ी पीछे करता है और वहां से खड़ा होकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर मीटिंग थी और इस तरह हम यहाँ पर आए थे, और कल हमें वापस फ्लाइट में जाना भी है, तो जल्द से जल्द मैं जाकर सिर्फ सोना चाहता हूँ। लेकिन ये बात उस आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो काफी ज्यादा गुस्से में हो गई, और उसका जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता जा रहा था मानो उसका चेहरा भी बदलता गया। और कुछ ही देर बाद उस महिला ने क्रिस्टोफर से कहा कि मैं एक डायन हूं और तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर मारे जाओगे। I'm actually a witch and I'm going to put a curse on you. You're going to be dead within a week. ये सब सुनकर क्रिस्टोफर भी काफी ज्यादा अचंभे में पड़ गया और उसने लगातार उस बूढ़ी महिला की तरफ देखा और आखिर में कहा, अच्छा ऐसा कुछ भी है क्या, चलो जैसा भी हो आप खुश रहो, मिल गया श्राप, अब मैं जा सकता हूँ। और इतना बोलकर क्रिस्टोफर वहां से आ जाता है, वो लोग वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है, और अगले ही दिन
वो लोग अपनी फ्लाइट पकड़कर वापस अपने होम टाउन सिएटल सिटी आ पहुंचते हैं। जैसे ही वो वापस अपनी कंपनी पहुंचता है तो सबसे पहले उसने अपने कंपनी वर्कर्स से कहा कि क्या तुम्हें याद है कि कल हमें एक रेस्टोरेंट में एक बूढ़ी महिला मिली थी और वो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस मुझसे होती जा रही थी, तो उसने कुछ ऐसा किया है कि सच में उसने मेरा दिमाग खिला दिया। जब उसके कलीग्स ने उससे पूछना चाहा कि उसने ऐसा क्या कहा, तो क्रिस्टोफर ने पूरा का पूरा मामला बताया और वो लोग भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए कि क्या सच में तुम्हें कल रात एक भूतनी मिली थी। क्रिस्टोफर ने भी इस बात को अभी तक मजाक में ले रखा था और जैसे ही वो अपने घर पर आता है और अपने दोस्त सैमी को ये सब बताता है तो सैमी कहता है कि तुम्हें इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए था। अगर वो इस तरह की कोई डायन वगैरह होने का दावा कर रही थी और एकदम से उसका अगर मूड चेंज हो गया तो तुम्हें उस टाइम उससे सॉरी कह देना चाहिए था। हम लोग नहीं जानते कि यहाँ हमारे आसपास क्या क्या कैसी कैसी चीजें मौजूद हैं, किसी भी तरह से हम उन्हें छेड़ दें और उन्हें इस तरह का गुस्सा दिलाएं। क्रिस्टोफर कहता है कि यार सैमी तुम मजाक कर रहे हो, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक हादसा बताया और तुमने उसे सीरियस ले लिया। और इसी तरह बातें करते करते वो अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन फिर से सुबह तैयार होकर अपनी कंपनी के लिए जाता है, वहाँ पर अपने कलीग्स से मिलता है और उसके कलीग भी उससे मिलकर यही बात पूछते हैं कि यानी कि कल एक दिन हो चुका था, अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, हमें जल्द से जल्द पार्टी वगैरह कर लेनी चाहिए क्योंकि अगले हफ्ते तो तुम मरने वाले हो। और इसी बात को लेकर वो लोग उस बुढ़िया का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और इसी तरह शाम को जब वो वापस अपने दोस्त सैमी से मिलता है तो पूरा दिन की बातें पूछते हैं कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने पूरा दिन क्या किया, और इसी तरह टाइम बिताकर वापस फिर से अपने घर पर आ पहुंचता है। और इसी तरह खाना वगैरह खाने के बाद जैसे ही वो अपने बेड पर जाकर लेटता है, उसके 5 या 10 मिनट बाद ही उसे फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। तो क्रिस्टोफर को लगता है कि आज हमारे घर पर चोर आए हैं और चोर भी बड़े ही दिमाग से पैदल लगते हैं जो इस तरह चुपचाप किसी न किसी जगह पर छुपकर आपस में बातें कर रहे हैं। कमाल के चोर हो यार, क्या चोर बनोगे तुम। जब वो अपने बिस्तर से उठता है और अपने स्टोर में जाकर चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन फुसफुसाने की आवाज अभी भी आ रही थी। उसने अपनी किचन को जाकर चेक किया और अपने दूसरे रूम को चेक किया, बाथरूम को चेक किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही उसने अपना घर का मेन गेट खोला कि हो सकता है ये सारी की सारी आवाजें बाहर से आ रही हों, तो मेन गेट खोलते ही वो सारी की सारी फुसफुसाने की आवाजें बंद हो जाती हैं। और जैसे ही आवाजें बंद होती हैं तो उसे लगा कि शायद यहाँ गलियारे से कोई जा रहा होगा आपस में बात करते हुए, और अक्सर लोग एक दूसरे से इसी तरह किसी से कोई बात छुपानी हो तो फुसफुसाकर ही बात करते हैं। यही बात सोचकर वो वापस आकर अपने बेड पर लेट गया, लेकिन जैसे ही 10 या 15 मिनट बीतते हैं फिर से फुसफुसाने की आवाज आती है। अब की बार क्रिस्टोफर को लगा कि हो ना हो कोई ऐसा चोर मौजूद जरूर है हमारे घर में जहां पर मैंने अभी तक चेक नहीं किया और वो अंदर ही है। उसने अपना पूरा का पूरा घर फिर से छानने की कोशिश की और अब की बार जैसे ही उसने जाकर अपना स्टोर चेक किया, स्टोर का दरवाजा खोला, वो फुसफुसाने की आवाज बंद हो गई। क्रिस्टोफर इस बात को समझ नहीं पाया और उसने जाकर पूरे के पूरे घर को फिर से चेक किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला, तो वापस आकर फिर से बेड पर लेट गया। लेकिन वही हालात फिर से बन गए कि 10 या 15 मिनट बाद फिर से फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है, लेकिन बात अगर घर के बारे में की जाए तो यहाँ पर कोई नहीं था। क्रिस्टोफर वहीं पर चुपचाप लेट जाता है और सो गया। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो अपने कंपनी में जाता है, जॉब करने के बाद शाम को वापस आता है, अपने दोस्त सैमी से मिलता है और खाना वगैरह खाने के बाद जैसे भी उसका पूरा दिन में रूटीन में वो किया करता था वो सब करने के बाद वापस अपने बेड पर आ पहुंचता है। लेकिन बात अगर आज की जाए तो वो फुसफुसाहट कुछ तेज हो चुकी है। आज वो बिल्कुल साफ साफ सुन सकता है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उसने फिर से अपने पूरे के पूरे घर को खंगाला, लेकिन ऐसी घटना कोई ना कोई जरूर हो जाती कि जैसे ही वो अपने किचन का दरवाज़ा खोलता, स्टोर का दरवाज़ा खोलता या फिर मेन गेट का दरवाज़ा खोलता तो वो फुसफुसाहट बंद हो जाती। और कुछ ही देर बाद जब वो अपने बेड पर जाता तो उसकी फुसफुसाहट फिर से शुरू हो जाती। अब की बार उसने अपने बेड के नीचे भी देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो समझ चुका था कि कल भी यहाँ पर कुछ नहीं था और
आज भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वो अगले दिन का वेट करता है और अगले दिन जैसे ही होता है वो अपने दोस्त सैमी के पास सुबह सुबह ही जा पहुंचता है और अपने दोस्त को बताता है कि मेरे साथ रात को कुछ ऐसा बीता, इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे और मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं पुलिस के पास भी जाऊंगा तो पुलिस यही पूछेगी कि तुम्हारे घर पर अगर चोर आए थे तो उन्होंने क्या चुराया, और नहीं चुराया तो अगर तुमने उसे देखा है तो वो कैसा दिखता है और वो कब आए, और इन सब सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जो भी वो चोर थे या फिर कोई और था वो तो पूरी रात मेरे घर पे ही था। और इसी तरह बातें करते रहे। पुलिस वाले भी आखिर में यही पूछेंगे कि अगर पूरी रात तुम्हारे यहाँ इस तरह फुसफुसाहट की आवाज आती रही तो तुमने जाकर उस चोर को आखिरकार पकड़ा क्यों नहीं। ये बात सुनकर उसका दोस्त सैमी भी बोलता है बात तो सही है। तो उसके दोस्त सैमी ने कहा कि हो ना हो ये किसी न किसी की छेड़खानी ही है, तुम आज शाम को बड़े ही अच्छे से पूरे घर की जांच करना, हो ना हो वो चोर होगा या फिर कोई और बंदा होगा वो वहीं पर छुपा हुआ होगा, और हो ना हो ये तुम्हारे साथ कोई जान पहचान वाला ही हो सकता है प्रैंक कर रहा हो। तो अब की बार जैसे ही रात होती है क्रिस्टोफर अपना खाना पीना खाकर अपने बेड पर जाता है, तो अब की बार वो भी वेट कर रहा था कि अब मेरे लेटते ही यहाँ पर फुसफुसाहट शुरू होगी और मैं जाकर उस बंदे को पकड़ लूंगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे ही वो जाकर अपने बेड पर लेटता है तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन अब की बार बात अगर फुसफुसाहट की जाए तो वो कोई धीमी नहीं जबकि ऐसी थी कि मानो दो या तीन कमरे दूर ही कोई आपस में खड़े होकर बात कर रहे हो। क्रिस्टोफर अब की बार खड़ा होता है और अपने पूरे के पूरे घर को छानने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार फिर से वही बात, जैसे ही वो अपना स्टोर खोलता है तो वो फुसफुसाहट बंद हो गई। और जैसे ही उसने अपना स्टोर बंद किया तो अब की बार बड़े ही भयानक तरीके से हंसने की आवाज आने लगती है। इस आवाज को सुनकर सच में क्रिस्टोफर भी काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसी आवाज के बीच उसे एक बार ये सुनाई देता है कि आखिरकार मैं आ चुकी हूँ। और इतना सुनते ही उसे उस महिला के बारे में याद आता है जिसने लगभग 4 या 5 दिन पहले ही उसे श्राप दिया था। जैसे ही वो इस बात को सुनता है तो उसका गला सूखने लगता है, मानो पूरा का पूरा उसका खून जम गया हो और वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। और जैसे ही उसने ये हंसने की और उस महिला के बोलने की आवाजें सुनी वो पूरी तरह से घबरा गया। वो वापस अपने बेड पर गया और वही कंबल में दुबक कर बैठ गया। उसकी अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ही घर में उस फुसफुसाहट को ढूंढ सके। बातें करने की आवाजें अभी भी आ रही थी, लेकिन बात अगर क्रिस्टोफर के बारे में की जाए तो उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सके और वहां पर जाकर दोबारा से चेक कर सके कि उसके अपार्टमेंट में आखिरकार कौन है, क्योंकि आखिरी बार जो हंसने की आवाजें सुनी थी और उस महिला की आवाज सुनी थी उससे वो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो पूरी रात वहीं कंबल में दुबक कर बैठा रहा और पूरी रात ही नहीं सोया। वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही उसे नींद आती तो उसे उस महिला के हंसने की आवाज आने लगती। वो दिन में भी नहीं सो पाया और पिछली रात तो वो सोया ही नहीं था। उसने अपनी ये सभी सारी की सारी समस्याएं जैमी को बताना चाहा, लेकिन बात अगर जैमी के बारे में की जाए तो वो अब शहर में नहीं था। अगले 2 दिनों के लिए वो शहर से बाहर गया हुआ था। उसकी अगली रात भी बिल्कुल कुछ इसी तरह बीतती है, क्योंकि आखिरी रात भी उसने इसी तरह जाग कर निकाली थी, दिन में भी वो नहीं सोया। और जैसे ही अगली रात होती है तो उसे इस बात का डर सताने लगता है कि अब की बार फिर से अंधेरा होने लगा है और हो ना हो वो आवाज अब फिर से मुझे आने लगेगी। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है, रात होती है, तो फुसफुसाने की आवाज अब और ज्यादा तेज हो गई और उसके स्टोर रूम में से एक आवाज ये भी आती है कि क्रिस्टोफर मैं आ चुकी हूँ। इस बात को सुनकर क्रिस्टोफर काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन जैसे ही वो सोता है आधी रात होती है तो अचानक से क्रिस्टोफर की नींद खुली और उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा का पूरा शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके कंट्रोल में उसकी आंखें हैं जिन्हें वो इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा सकता है। उसने उठने की काफी कोशिशें की, उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन बात अगर उसके शरीर के बारे में की जाए तो टोटली उसे ये फील हो रहा था कि मानो उसका पूरा का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका हो। वो अभी भी अपने आप को हिलाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने फिर भी ये कोशिश की कि वो अपने पैर जमीन पर रख सके और वहां से खड़ा होकर रसोई में जाकर पानी पी सके। वो अभी भी काफी कोशिशें कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बात अगर फुसफुसाहट के बारे में की जाए तो वो अभी भी हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते वो अचानक बंद हो गई। लेकिन जैसे ही फुसफुसाहट बंद हुई तो उसके रूम में 2 छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे और वो कुछ इस तरह के थे कि
बिल्कुल साफ साफ कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बिल्कुल अंधेरा भी नहीं था। और उसी थोड़ी थोड़ी रोशनी के बीच उसे अपने सामने एक बड़ी ही भयानक परछाई दिखाई पड़ती है। परछाई की आंखें बिल्कुल लाल थी, और बात अगर उस परछाई के बारे में की जाए तो बाकी पूरा का पूरा शरीर बिल्कुल काला था। वो उस परछाई को देख रहा था, लेकिन परछाई देखने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से उठ सके और उठकर वहां से भाग सके। देखते ही देखते वो परछाई काफी ज्यादा बड़ी हो गई और उस परछाई के हाथ क्रिस्टोफर के गले की तरफ आने लगे। क्रिस्टोफर अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो परछाई थी उसके हाथ क्रिस्टोफर के गले को घोटते ही जा रहे थे। और इसी तरह कुछ ही देर बाद क्रिस्टोफर फिर से बेहोश हो गया। और जैसे ही अगली सुबह क्रिस्टोफर की नींद खुलती है तो उसने पाया कि जिस बिस्तर में वो मौजूद है वहां पर काफी सारा खून बिखरा हुआ है। और जैसे ही उसने वहां पर खड़ा होकर अपने आप को देखा कि मैं सही सलामत हूं या फिर कल रात को वो अंधेरा आया था, उसने मुझे ही कहीं से काट पीट दिया, तो उसने पाया कि उसकी उंगली के जो टोप के हिस्से थे उन सभी को मानो किसी तेज धारदार हथियार से काट दिया गया हो और उन सभी से खून बह रहा था। ये सब देखकर क्रिस्टोफर काफी ज्यादा घबरा गया और सबसे पहले उसने अपने आसपास देखा कि क्या वो परछाई अभी भी यहीं पर है या फिर जा चुकी है। तो उसने पाया कि वहां पर कुछ भी नहीं और चारों तरफ उसके आसपास रोशनी फैल चुकी है। अभी टाइम सुबह का था तो सारी की सारी सूरज की रोशनी सीधे उसके घर में आ रही थी। इतना देखते ही उसने सबसे पहले अपनी उंगलियों को डेटोल वगैरह लगाकर ठीक करने की कोशिश की और उसके बाद अपने पास में ही मौजूद एक बुक स्टोर पर गया और बुक स्टोर के ओनर से पूछता है कि क्या आपके पास काला जादू और भूतों को अपने से दूर किस तरह रखा जाए इस तरह की किताबें हैं। तो बुक स्टोर के ओनर ने उसे एक तरफ इशारा किया और वो वहां पर जाकर जैसे ही देखता है तो उसके सामने एक पूरा बड़ा रैंक था जिसमें सारी की सारी किताबें इसी बात के लिए लगाई गई थी कि भूत क्या चीज है, उन्हें दूर कैसे रखा जाए और ये नुकसान किसको पहुंचाती है वगैरह वगैरह। क्रिस्टोफर बिना देरी के उनमें से लगभग 8 या 10 किताबें उठाता है और तुरंत उनकी पेमेंट करने के बाद वापस अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां पर ले जाने के बाद जैसे ही वो उन किताबों को पढ़ता है तो उनके अकॉर्डिंग उसने अपने पूरे के पूरे रूम में जीसस क्राइस्ट के निशान लगा लिए क्योंकि वो लोग इसी धर्म को मानते थे और उनका यही भगवान है। बात अगर क्रिस्टोफर के घर के बारे में की जाए या फिर उसके कमरे के बारे में की जाए तो उसने सारी की सारी दीवारों पर काफी सारे क्रॉस के साइन लगा रखे थे। इसके अलावा उसने काफी सारी कैंडल भी जला रखी थी, लेकिन जैसे ही रात होती है तो इस तरह की फुसफुसाहट की आवाजें या फिर उस महिला की आवाजें तो सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका वहां उस कमरे में दम घुटने लगता है और वो अपने आप को इस तरह दम घुटते हुए नहीं देख पाता, जिसके कारण वो अपने कमरे से बाहर जाता है, अपने अपार्टमेंट से बाहर जाता है और उसके बाद शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला और मार्केट की तरफ जाने लगा तो उसे ये महसूस हुआ कि बाजार में अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके होते हुए भी वो काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था और उसे सिर्फ इसी बात का डर सता रहा था और इस बात को वो अनुभव भी कर रहा था कि हो ना हो अभी इस तरफ से या फिर इस तरह से कोई ऐसी चीज उसके पास आएगी जो कि उसको मार सकती है। अभी तक उसका दोस्त वापस आ चुका था और जैसा कि उसके क्लीग्स ने सैमी को बताया कि तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, हम लोगों ने भी उसे पूछने की काफी कोशिशें की, मदद करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर टाइम वो अब अकेला ही बिताने की कोशिश करता है। सैमी ने जैसे ही क्रिस्टोफर के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने पाया कि वो अपने रूम से जा चुका है। वो कहां पर गया इस बारे में किसी को नहीं पता। सैमी ने पुलिस के पास भी कॉन्टेक्ट किया कि मेरे दोस्त के साथ पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बातें हो रही हैं, अब हमें नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन वो इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। पुलिस को जब इस बात का पता चलता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास काफी सारे ऐसे केस आते रहते हैं जिसमें जो सामने वाला हमारा जो विक्टिम होता है वो मेंटली तौर पर थोड़ा कमजोर होता है। तो सैमी ने भी कहा कि क्या आप लोग प्लीज मेरे दोस्त को ढूंढने में मदद करेंगे, तो पुलिस ने कहा कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। और जब पुलिस ने जाकर क्रिस्टोफर को थोड़ा ढूंढा तो उन्हें वो मिल गया। वो लोग सैमी से बात करते हैं और कहते हैं कि आपका दोस्त मिल चुका है, प्लीज आप यहाँ पर आकर इसे संभाल लीजिए। क्रिस्टोफर सैमी से मिलता है और उससे कहता है कि यार तुम कहाँ चले गए थे, मेरी पिछली काफी सारी रातों से नींद उड़ी हुई है, मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा भी था। और क्रिस्टोफर ने सैमी को सारा कुछ बताया।
सैमी ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ और अब पूरी की पूरी अपनी समस्या मुझे खुलकर बताओ। उसने सारा का सारा मामला बताया तो सैमी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की और उन सभी किताबों को पढ़ा जो कि क्रिस्टोफर द्वारा लाई गई थी। सैमी ने और क्रिस्टोफर ने मिलकर उन सभी चीजों का जुगाड़ करना शुरू किया जिससे वो आत्मा इसका पीछा छोड़ दे। और वो लोग इसी तरह जुगाड़ करने के बाद एक रात इसी तरह साथ बिताते हैं और वहां पर किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज नहीं आई जिससे वो लोग कह सकें कि क्रिस्टोफर को उससे खतरा है। क्रिस्टोफर ने इस बात को जानकर काफी ज्यादा राहत की सांस ली और उसने कहा कि सैमी यार तूने मेरे को बचा लिया। फिर से क्रिस्टोफर अकेला सोता है और अगली सुबह जैसे ही होती है तो वहां पर क्रिस्टोफर को मृत पाया गया। पुलिस ने जाकर जब क्रिस्टोफर की डेड बॉडी वहां से उठाई और हॉस्पिटल के लिए भेजी तो वहां पर उसके कमरे में चारों तरफ काफ़ी सारे क्रॉसेस लगे हुए थे और काफ़ी सारी ऐसी कैंडल भी मौजूद थी जो कि रात को उसने अपने फ्लोर पर जलाई हुई थी। लेकिन जब क्रिस्टोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस वालों का कहना था कि ये एक नेचुरल डेथ है, इसे सिर्फ एक हार्ट अटैक आया और उसके कारण इसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सैमी ने जो कुछ बताया वो सच में ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उसने पूरी की पूरी ये सारी की सारी स्टोरी पुलिस के सामने रखी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात पुलिस के बारे में की जाए या फिर कोर्ट के बारे में की जाए तो वो तो सिर्फ सबूतों पे काम करती है और सबूत के तौर पर उन लोगों के सामने सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसका कहना था कि ये एक नेचुरल डेथ है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि उसकी डेथ कैसे हुई होगी? क्या इस तरह की कोई पैरानॉर्मल चीज़ थी जिसने उसकी जान ले ली या फिर उसके डर ने ही उसकी जान ले ली जिसके कारण उसको हार्ट अटैक आया और वो मारा गया? वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट सारा खान को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।